नमस्कार, मैं शुभम, आप सभी का मित्र। आपके अपने इस YouTube मंच सिन्हा क्लासेस के मैथ्स के इस सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। सभी छात्रों की पढ़ाइयां बहुत अच्छी चल रही हैं, सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आज का ये मैथ्स का वीडियो लेक्चर मैं खास तौर पर स्पेसिफिकली क्लास 9 के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि क्लास 9 के बच्चों का जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, नंबर सिस्टम, उसका ये एक महत्वपूर्ण भाग है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे कई बार एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल ये है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बोर्ड पर, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स हमें बतानी है। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार 1 एंड 2 आर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो इनके बीच के नंबर्स कैसे पता करें? व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2? तो आज इस पे बहुत गहनता से मैं चर्चा करूंगा, और ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले एकदम जड़ से, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने रैशनल नंबर के बारे में बहुत गहराई से अपने वीडियो रैशनल नंबर में समझाया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन फिर एक बार औपचारिक तौर पर आपको रिविजन करवा दूँ। एक्चुअली रैशनल नंबर्स होते क्या है? तो रैशनल नंबर के बारे में ये कहा जा सकता है कि कोई ऐसी संख्या जिसे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ की क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, यानी डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है, वो संख्या परिमेय संख्या है। अंग्रेजी में अगर इसी बात को कहूँ तो अ नंबर आर और अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपन क्यू वे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी जो रैशनल नंबर होता है उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां की क्यू जीरो के बराबर ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है इस कॉन्सेप्ट का कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर और एग्जिस्ट बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। काफी उलझन वाला सवाल लगता है ये, लेकिन बहुत आसान सा आंसर है, आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं यहां बोर्ड पर लिख देता हूं। एक्चुअली देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच और परिमित रूप से अनेकों परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी इतनी परिमेय संख्याएं जिन्हें काउंट कर पाना नामुमकिन है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, द कॉन्सेप्ट इज, आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच कई अपरिमेय संख्याएं होती हैं। द बिग क्वेश्चन इज कि पता कैसे करें, हाउ टू फाइंड देम। तो आज मैं दो टेक्निक्स, दो मेथड्स के बारे में बताऊंगा, दो ऑप्शन दूंगा आपको। पेपर में आप किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्क्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप साफ साफ सही सही इतना बेहतर लिखेंगे कि टीचर्स आपकी बात समझ पाए, तो आपको मेरा ख्याल है कि उस क्वेश्चन में जितने मार्क्स रखे गए हैं वो सारे मिल जाएंगे। द फर्स्ट टेक्निक इज, एक्चुअली जब भी हमें दो कंसेक्यूटिव या दो किसी भी रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हो, तो सबसे सही तरीका यह है कि आप एज्यूम कर लें द फर्स्ट रैशनल नंबर इज आर एंड द सेकेंड रैशनल नंबर इज बी एस, और आप अपने हिसाब से वेरिएबल चुन लें, एक्स मान लें, वाई मान लें। मैं आपको सिर्फ एक तर्क बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं कि इफ, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं अपने नोटबुक में, आर एंड एस आर 2 रैशनल नंबर्स अगर आर और एस 2 रैशनल नंबर्स हो। ये मैं एनओ लिख रहा हूं, इसका मतलब नंबर है, यहां एनओ एस लिख दिया मैंने, उसका मतलब नंबर्स है, ठीक है। मैं थोड़ा संकेत में लिखा करता हूं, आदत हो गई है अब। तो आर और एस अगर 2 रैशनल नंबर्स हैं, देन आर प्लस एस अपॉन 2 इज अ रैशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन देम। तो आर और एस, दो आर और आर प्लस एस अपॉन 2 एक ऐसा रैशनल नंबर होगा जो उन दोनों के बीच एग्जिस्ट करेगा। इस मेथड की जो खास बात है वो मैं आपको जब ये सॉल्व करके दिखाऊंगा तब बताऊंगा इस मेथड की खासियत क्या है। अब अगर इसे हम लोग एकदम लाइसेंसस होकर अपने दैनिक जीवन में देखें, तो 1 प्लस 2 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 1.5, 1 अपॉन 2, इट मीन्स डेढ़।
अगर मैं एकदम लाइसेंसस होकर बोलूं तो डेढ़। आप ये समझ पा रहे होंगे कि डेढ़ वो संख्या है जो एक और दो के बीच आती है, और डेढ़ को जब मैथमेटिकली लिखा जाता है तो 3/2 लिखा जाता है, विच इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब 3/2 इज अ रैशनल नंबर विच कम्स बिटवीन 1 एंड 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इन दोनों के बीच की जो पहली परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी, 1 + 2/2, इट मीन्स 3/2। अब देखिए दूसरी परिमेय संख्या, अब हमें पता करना है कि दूसरी परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 को रहने देंगे और अब 2 नहीं लेंगे, अब 3/2 ले लेंगे, 1 + 3/2, और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, या आप यूँ कह लें कि इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो हमारे पास रिजल्ट होगा 2 + 3/2 × 1/2, 5/2 × 1/2, इट मीन्स 5/4। ये दूसरी परिमेय संख्या हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि अब हम लोग 1 लेते हैं तीसरी परिमेय संख्या के लिए और 5/4 लेते हैं और इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो हमारे पास रिजल्ट होगा 9/8। चौथी परिमेय संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 तो लेते हैं और अब 9/8 लेते हैं। देखिए यही इसकी खासियत है, इसकी खासियत ये है कि आप ये जो पहला वाला स्टेप है ना r + s/2, इसे आप यू कैन प्रोसीड इन दिस मैनर टू फाइंड 4 मोर रैशनल नंबर्स और मोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आप इसी प्रोसेस को आगे लगातार बढ़ाते जा सकते हैं जितनी परिमेय संख्याएं आपको बोली गई हैं निकालने के लिए। तो ये इसकी सबसे खास बात है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि यहां हमारे पास आ रहा है 8 × 8 + 9 = 1/2, 17/8 × 1/2, 17/16। तो ये बीच के 1, 2, 3, 4 रैशनल नंबर्स हुए, हमें कहा गया था 5 निकालने के लिए। देखिए पांचवे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग 1 + 17/16 ले लेते हैं। देखिए एकदम जाहिर सी बात है, आप पहले स्टेप से ही समझिए कि अगर ये 1 और 2 के बीच आ रहा है तो इस बात की गारंटी है कि 1 और इसके बीच आने वाला रैशनल नंबर भी 1 और 2 के बीच आएगा। इसका गूढ़ मंत्र यही है इस मेथड का। तो जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, तो हमारे पास होता है 16 + 17/16, इट मीन्स 33/32। अच्छा अब देखिए ये 5 रैशनल नंबर्स हो गए हमारे पास, 3/2, 5/4, 9/8, 17/16, 33/32। ये मैंने आपको एक सीधे से ऑर्डर में टेक्निक बता दिया, मेथड बता दिया कि अगर आप ऐसे करते जाएं, इसे इसे लेते जाएं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले तो 1 लिया और फिर दूसरा वाला रैशनल नंबर लिया, फिर उसके बाद उनके बीच जो आया वो 12 ले लिया, फिर अगले स्टेप में वो क्या करते हैं कि वो जैसे कि मैंने यहाँ 1 लिया, वो 1 नहीं लेकर ये वाली संख्या ले लेते हैं और ये वाली संख्या ले लेते हैं, यानी वो 1 की जगह ये ले लेते हैं और 5/4 ले लेते हैं, R और S इन्हें बना लेते हैं और फिर इनके बीच का नंबर निकाल लेते हैं। कहीं गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो आंसर मैच करते हैं कि मेरा वो किताबों के पीछे जो आंसर दिया होता है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट ये है कि 1 और 2 के बीच इतने रैशनल नंबर्स हैं कि उन्हें गिन पाना लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब ये संभावना है कि आपका आंसर और बुक के आंसर में डिफरेंस हो, दोनों डिफर करते हो एक दूसरे से, आपका आंसर और आपके फ्रेंड्स का आंसर एक दूसरे से डिफर करता हो। इसका मतलब ये कतई ही नहीं है कि उसने गलत बनाया है या आपने गलत बनाया है। हो सकता है उसने कोई और नंबर लिया होगा, आपने कोई और लिया, उसने कोई और ऑप्शन चुना होगा बनाने का, आपने कोई और चुना है, ये संभावना है। तो ये एक तरीका है, टेक्निक 1 है। अब हम लोग टेक्निक 2 की तरफ चलते हैं। तो अभी मैंने आपको मेथड 1 बताया, अब ये मेथड 2 है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये करना है कि यू हैव टू राइट 1 एंड 2 एज रैशनल नंबर्स विथ डिनोमिनेटर 1 + 5 = 6। वाई?
रीजन बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पांच रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो आपको वन और टू को सिक्स डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसके रूप में लिखना है। और इसके लिए जो बिना लफड़े का, बिना किसी झमेले का जो तरीका है वो ये है कि आप उसे सिक्स से ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें। तो वन को ऐसे लिखा जा सकता है, अगर हम लोग सिक्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर करके मल्टीप्लाई कर दे तो, और टू को ऐसे लिखा जा सकता है। द बिग क्वेश्चन इज कि जहां पर डिनोमिनेटर सेम ना हो वहां क्या करें। वहां बड़ा आसान सा तरीका है, आप कोई भी कॉमन नंबर लेकर दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दें। वो एक अगले भाग में मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि उनके बीच के रैशनल नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं। बहरहाल अभी यहां ध्यान देने की जरूरत है। अब हमें क्या करना है कि ये 6/6 और ये 12/6, इनके बीच आने वाले सारे रैशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच भी आ रहे होंगे। अब देखिए ये कितना आसान हो गया, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच रैशनल नंबर्स हो गए जो 1 और 2 के बीच भी आ रहे हैं। कई बच्चों का सवाल होता है कि अगर सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच कोई कॉमन फैक्टर है तो, हाँ आप कैंसिल कर सकते हैं उसे। जैसे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 2 3 जा, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसे कर सकते हैं 2 5 जा 2 3 जा। अब देखिए पहले मेथड से जो हमने आंसर्स निकाले थे और अब जो हमने आंसर निकाले हैं, ये दोनों एक दूसरे से वैरी कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मेथड 1 गलत है या मेथड 2 गलत है या हमने गलत निकाला? नहीं, इसका मतलब सीधा और सरल है कि हमने अलग अलग मेथड चुना है बनाने का। और क्योंकि 1 और 2 के बीच कई रैशनल नंबर्स हो सकते हैं तो पूरी संभावना है कि अगर अलग अलग तरीके से बनाए जाए, अलग अलग नंबर्स, अलग अलग टेक्निक्स यूज किए जाए तो आंसर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 9 का, जरूर रिवीजन कीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में आपसे किसी प्रकार की कोई भूल ना हो। सिन्हा क्लासेज के अगले भाग में, मैथ्स के अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इस वक्त के लिए मुझे आज्ञा दें। सी यू सून, जय हिंद।